कोरोना संक्रमण के चलते लंबे चले लॉकडाउन के लगभग 6 महीने बाद आज कोटा में विद्यालय खुले। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सरकारी गाइडलाइंस की पालना करते हुए विद्यालयों को खोला गया। हालांकि विद्यालयों में नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी, लेकिन विद्यार्थी शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार परिजनों के सहमति पत्र के साथ विद्यालय आए बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही प्रवेश दिया गया। हालांकि बहुत ही कम संख्या में बच्चे विद्यालय पहुंचे हैं। सरकार की जो गाइडलाइन आई है, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। कई दिन से चल रहा था सरकार, आजकल करके आज अब 21 तारीख को जब सरकार ने कहा कि आपको खोलना है, तो हमारे यहाँ पूरी तरह से हम सबके बच्चों के लिए स्वागत और पूरी बाहर टेम्परेचर की नापने का, साथ में सैनिटाइज का, डिस्टेंस का, क्लासों के अंदर 10 से 12 बच्चों का 8 से 10 फीट दूरी की व्यवस्था, माइक सिस्टम, हम अब पूरी तरह तैयार हैं। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमने मेन गेट पर जो है सैनिटाइजर की व्यवस्था करी है, और जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको सहमति पत्र दे रहे हैं, ताकि वो जो भी अपनी समस्या पूछने हैं तो माँ बाप की सहमति से आएँ। भविष्य में बच्चों को कहा है जिनको भी जो संबंधित विषय से प्रॉब्लम है वो पूछने आएँ, किंतु अपना सहमति पत्र जो है कक्षा अध्यापिका और विषय अध्यापिका को दिखाकर ही संपर्क करें।